डर है। अच्छा वो हाफ हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो मेरे सारे भाई? तो भाई अभी जा रहे हैं जिम फटाफट से और सुबह सुबह उठते ही ये दिखते चीज देखो तुम्हें, अगर ये चीज मिल जाए ना तब पूरे दिन सत्यानाश है। क्योंकि भाई सुबह तो एटलीस्ट रोड खाली होनी चाहिए। अभी 9 बजे हैं, खैर 9 बजे है ना, मिले तो बजे और लोगों को तो ऑफिस है, सॉरी। पर दिखाता हूँ भाई, घर से निकलते ही जिम जा रहा हूँ और ये देखो जाम, वो देखो एंड तक अगर तुम्हें दिख रहा हूँ बिल्कुल लास्ट तक जाम है भाई। और भाई सबसे बड़ी चीज, इस रोड पे कभी जाम ही नहीं होता, मुझे समझ नहीं आ रहा है एक्सीडेंट हुआ है क्या हुआ है। जो लोग मतलब सीधे आ रहे हैं वो रॉन्ग साइड भी आ रहे हैं वापस, पता नहीं किस बात का जाम है। आज ही मोटिवेशन तो उन्होंने मार दी जिम जाने की, बट ऐसे मोटिवेशन नहीं मरेगी, इस बार जिम जाएगा तुम्हारा भाई। थोड़ा सा हट जा तो जान दो, तो ये भी बंद है गाइस, मोटिवेशन मर सकती है शायद। एक रास्ता है छुप जो शॉर्टकट है वो भी बंद है, मैं जाऊंगा कैसे? नहीं नहीं गाइस रुक जाओ, बच गया, खुला हुआ है, मोटिवेशन जिंदा है। तो भाई जिम चल रहे हैं फटाफट से यार, कार्डियो करेंगे और बॉडी पार्ट मेरे शाम में चली रही है भाई बढ़िया करके। और एक आध दिन में भाई मैं फटाफट से वर्कआउट वीडियो बनाऊंगा भाई के साथ, जैसे मेरा वर्कआउट चल रहा है, मैं यहाँ कितने सेट कितने रैप कैसे कैसे क्या कर रहा हूँ उसकी की वीडियो बनाऊंगा, उसको देखना ठीक है कैसे कैसे क्या मेरी हालत टाइट करी जाती है, कैसे मेरा वर्कआउट चल रहा है। पर भाई टू बी ऑनेस्ट मजा बहुत आ रहा है वर्कआउट में, तो चल रहे हैं फटाफट से जिम। और भाई जिम से पहले हम लेंगे अपना एल्कार्डिनेन, किस किस चीज में हेल्प करता है और कार्डियो से पहले मैं क्यों ले रहा हूँ वो सब तुम्हें बताता हूँ। तो एक बार पहले एल्कार्डिनेन देखो तुम्हारा भाई कौन सा यूज कर रहा है और इसके जो बेनिफिट्स है वो बताता हूँ फिर। तो भाई जैसे तुमने देखा हो तुम्हारा भाई ले रहा है मसल ब्लेस का लिपिड एल्कार्डिनेन, और भाई सबसे बढ़िया चीज है फैट लॉस में। कि भाई एल्कार्डिनेन क्या काम होता है, एल्कार्डिनेन जो होता है हमारी बॉडी में सबसे पहली चीज भाई जो हमारी बॉडी में फैट होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और दूसरी जो हमारी एस्थेटिक परफॉर्मेंस होती है उसे बहुत ही अच्छा कर देता है, इंप्रूव कर देता है, और तीसरी चीज जो हमारी लीन मसल मास होता है उसे गिरने नहीं देता, उसे सेफ रखता है, और जो हमारे विटामिन B5 डाइजेस्ट सिस्टम है उसको बेटर करने में हेल्प करता है। सबसे चीज भाई जो मसल ब्लेस ने एल्कार्डिनेन निकाला है, ये निकाला है लिक्विड फॉर्म में, तो इसको लेना बहुत ही इजी है, उसके ऊपर कैप होता है, आप उसे सर्विंग में ले सकते हो। और दूसरी चीज भाई मैंने इसका जो फ्लेवर मंगाया, मैंने मंगाया लेमन लाइम फ्लेवर, भाई बहुत ही फ्लेवर आता है, नींबू पानी पी रहे हो एकदम मस्त खट्टा खट्टा सा मजा आता है पी के। और भाई एक चीज और, इसको मैं कंज्यूम कैसे कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ वर्कआउट से पहले का, मतलब कि कार्डियो से 15 मिनट पहले, और आप इसको दिन में 2 बार ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं जो ले रहा हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ भी, मैं ले रहा हूँ वर्कआउट से कार्डियो से 10-15 मिनट पहले, और बाकी भाई नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे को तो बहुत हेल्प कर रहा है फैट लॉस में, मजा आ रहा है भाई। और जब वीडियो आएगी ना तो मैं कहूँगा भाई मजा आ गया ट्रांसफॉर्मेशन में, इस बात की गारंटी है, फैट टू फिट कर रहा हूँ भाई, नेचुरली कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा जो सोचा हुआ है, बट कोई नहीं, स्लो एंड स्टडी बढ़िया, क्योंकि एक बार जल्दी करके देखा था दिक्कत हो गई थी, तो इस बार बिल्कुल भी जल्दी नहीं मचानी भाई किसी भी चीज में, ठीक है। तो अब चलते हैं फटाफट से वर्कआउट करते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया मैंने भाई, जिस भी मेरे भाई को लेना हो, सस्ता प्रोडक्ट है, कोई महंगा नहीं है, ऑथेंटिक है, और मसल ब्लेस तुम्हें पता है बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत ट्रस्टवर्दी ब्रांड है, ठीक है। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक छोड़ देता हूँ, नीचे जाके बाय कर लेना, और मेरा डिस्काउंट कूपन कोड लगा देना MYANKMB टू गेट बेटर एंड बेस्ट डिस्काउंट, ठीक है। तो मेरा कूपन कोड लगा दोगे तुम बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फटाफट से बाय कर लो। अब मैं चलता हूँ भाई वर्कआउट करने, कार्डियो करते हैं। आज का सीन ये है, फटा मस्त एकदम जिम विम सब हो गया था, सुबह तुम्हारे भाई का डाइट वाइट लेके मस्त एकदम रेस्ट चल रहा था, बट अचानक से फोन आया एक दोस्त का और एक मेरी फ्रेंड है उसका, तो कह रही यार कहीं घूमने चल लो, आज मन कर रहा जाने का, तो मैं कहा चलो यार, वैसे मैं भी बहुत दिन से कहीं गया नहीं बाहर, तो मैंने कहा भाई चलते हैं फिर कहीं फटाफट से। तो अब आ रहे हैं, देखते हैं कौन को, अभी कुछ भी नहीं पता, सडन प्लान है, अब देखते हैं कहां जाते हैं, कहां नहीं भाई। डाइटिंग में तो समझ नहीं आ रहा, सबसे बुरी चीज है डाइटिंग पे होते हो ना भाई, तो कुछ समझ नहीं आता क्या खाएं और क्या नहीं, अगर वैसे नॉर्मल डाइटिंग के बिना रहो ना तो ऐसा लगता है कुछ भी उधर दो, बड़ा मजा आता है अपना जलेबी समोसे सब कुछ खाते रहो, और डाइटिंग में समझना पड़ता है उबली सब्जी कहाँ से मिलेगी, उबला चिकन कहाँ से मिलेगा, और ये बस पूछो मत। तो अब चल रहे हैं, हो सकता है भाई मैं तो कॉफी वॉफी पीऊंगा, जितना हेल्दी हो जाएगा तुम्हारा भाई उतना हेल्दी ढूंढेगा, ठीक है। और देखो फेस से थोड़ा थोड़ा तुम्हें लग रहा होगा है ना, बहुत धांसू वीडियो आएगा, मजा आ जाएगा तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन वाला। बस जय चल रहा हूँ, प्रे करना तुम्हारा भाई ऐसे चलता रहे, सब कुछ एकदम बढ़िया रहेगा, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे भाई मैसेजेस करते हो, जब मैं स्टोरी डालता हूँ इंस्टाग्राम पे जिम की या डाइट की, तो भाई बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करें जरा पहले गाड़ी में डलवा लें पेट्रोल, और शायद थोड़ा सा लंबा प्लान भी बन सकता है लॉन्ग ड्राइव का, देखते हैं जैसे भी होता है। तो पहले फटाफट डलवा लूँ पेट्रोल, एक दोस्त को डालूँ, फिर एक और फ्रेंड है वो आ रही है उसे उठाते हैं, फिर चलते हैं।
तो भाई अब तुम सोच रहे हो कि मैंग भाई तुम ये मैकडी क्यों पैक करा के लाए हो, है ना। तो भाई ये मैकडी मेरा नहीं है। तो जो फ्रेंड आ रही है भाई उसे लग रही थी बहुत ज्यादा भूख, उसने पहले बोल दिया, कह रही मुझे भूख लग रही है बहुत ज्यादा, मेरे से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा, तो पहले तुम कुछ खाने का पैक करा लो। तो मैं अभी ये बर्गर और फ्राइज लिए हैं, और भाई तुम मानोगे नहीं, कराते कराते मेरा इतना मन कर रहा था ना, मैंने कहा मैंग तू भी अपने लिए पैक करा ले और खा ले, पर नहीं, जब कंट्रोल है तो कंट्रोल है भाई। एक महीना हो गया पूरा छोड़े हुए, ईमानदारी से बता रहा हूँ, कुछ भी टच नहीं कर रहा नमक और मीठा, तो बिल्कुल ऐसे खा रहा हूँ बिल्कुल चुन चुन के। जब लगता है कि बॉडी बिल्कुल ड्रेन आउट हो गई, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल चक्कर आ रहे हैं, तब थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, वरना फुल ऑन डाइटिंग पे तुम्हारा भाई। तो अब चलते हैं इसे खिलाते हैं। और एक चीज और, जो हमारे दूसरे वाले भाई साहब आ रहे थे, उन्होंने दे दिया हमें गोली एंड टाइम पे। क्या कह रहा भाई यार, घर में कोई दिक्कत आ गई तो हॉस्पिटल जाना पड़ा, उसे कोई रिलेटिव एडमिट हो गए, कोई ज्यादा सीरियस इशू है। तो मैंने पहले कि ना माना, मैंने कहा स्नैप भेज, तो उसने हॉस्पिटल की स्नैप भेजी, तो भाई मैं कहा चल ठीक है भाई कोई नहीं। तो अब ये आ रही है, फिर देखते हैं यार, मेरा तो कॉफी पीने का मन कर रहा बहुत ज्यादा, कहीं चलते हैं बढ़िया सी कॉफी पीने, और देख सकते हैं कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि भाई इंस्टेंट मन कर रहा है मेरा घूमने का, मेरा घर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। तो कुछ बढ़िया से प्लान करते हैं, और जहां भी जाता हूं तो मैं दिखाता हूं। और सबसे तगड़ा काम भाई, जैसे मैंने बताया था, हेल्दी चीज ढूंढूंगा क्या खाई है रास्ते में, तो मैं आने दो और भाई मिलवाता हूं, फिर चलते हैं। तो भाई ये देखो बुक्कड़ आ गए। हेलो, क्या खाया जा रहा है भाई? से देख के ना मेरे मन में लालच आ रहा है, भगवान का सब। कौन सा मना कर रहा है? मना तो नहीं कर रहा, तो कुछ आदमी की अपनी भी डाइटिंग नाम की चीज होती है, ऐसे खा लेना चाहिए। अच्छा, कभी कभी खा लेना चाहिए, कभी कभी चक्कर में तो ये हाल हुआ मेरा। अब तभी तो एक महीने से लगा पड़ा, इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो भाई अब फाइनली हम जा रहे हैं कहीं और, ठीक है, और कब लेन बल गया है ना, हम जा रहे हैं वृंदावन। क्या सही से बताओ ना यार, वही जा रहे ना हम, वही तुमसे प्लान क्यों चेंज कराया तुमने, हम तो कहीं और कॉफी पीने जा रहे थे। अच्छा। तो भाई अब हम जा रहे हैं वृंदावन, अब क्या किसने कहा कि भगवान के दर्शन कर लेते हैं, मैं कहा ठीक है भाई चलते हैं, कभी गई भी नहीं। हाँ तो हम चल रहे नहीं, तो भाई अब हम चल रहे हैं फटाफट से वृंदावन, ठीक है, तो वहीं जाके सीधा मिलेंगे। और दूसरी चीज भाई, अभी इसने किसी को फोन किया था, तो वो बता रहे हैं कि वृंदावन में ऐसा कुछ चल रहा है कि मार्केट टूटने का सीन चल रहा है, तो है ना, बात नया बन रहा है, तो वो चीज मुझे अभी कंफर्म नहीं है, वो जाके वहीं पता चलेगा, देखते हैं। बाकी मैंने एक दो जो मेरे भाई हैं वहाँ के, मैंने फोन किया था, वो कह रहे भैया ऐसे कुछ नहीं, आप आ जाओ, इसे तो मुझे डरा दिया, कह रही वहाँ पे बहुत ज्यादा वो भी है भीड़, मेरे को सबने यही बोला है रश है। हाँ तो देखो वहाँ पे जाके भाई भीड़ भी नहीं है शायद, अब देखते हैं जो भी होगा, दर्शन तो करके आने हैं, अब चाहे आज करें कल करें दर्शन तो करेंगे। करेंगे भाई दर्शन, आज ही होंगे, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट, दिखाता हूँ भाई, और इस टाइम 5 बज गए और जाम का टाइम मिलेगा 200%, एक बार हाईवे तक पहुंच जाए फिर तो अपना टापम टाप, जाम है भाई देखो, तो अब 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाएगा आराम से। पहले बीच में रुकूंगा भाई, चाय पीऊंगा, क्योंकि इसने तो खा लिया है, मेरे सर में दर्द हो रहा बहुत तेज, मुझे चाय चाहिए, वरना पचरा काट जा जाते मैं सो गया। और तो भाई फाइनली जा, मैंने तुम्हें कहा था ये है पंडित जी की चाय, शिवा ढाबा, सॉरी पंडित जी की चाय, तो मेरे ढाला रोड पे पड़ती है, तो ये मेरी फेवरेट है और इसे भी पीनी है। पीनी है नहीं, कैसे मुंह बनाया बच्चों चाय के नाम। तो भाई चल रहे हैं, चाय पीते हैं फटाफट से, और भाई लेट हो गए हैं, टाइम टाइम भी कर रहा, गाड़ी बंद करके देखना दिमाग चल गया मेरा, 6 बज गए भाई, दर्शन के लिए भी लेट हो रखे हैं फुल ऑन, पर चलेंगे कोई नहीं, और कोशिश है कि आज रात में वापस आना है, तो चलते हैं। तो भाई आ गई चाय, और कुछ खाने का भी मन था यार, वो तो मिला नहीं मुझे, डाइट का ही नहीं कुछ, मुंह पुक्का खाया अभी तक, हां पिज्जा खाया, मेरी कसम वाला झूठे भाई, मैंने कुछ नहीं खाया, मुंह और पुक गया, अरे भाई खाएगा वहां जाके, सुतरूंगा डाइट तोड़े कचौड़ी खा ली। देखते हैं यार, अब चलते हैं फटाफट, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा और शायद रात में कोहरा मिलेगा, तो मुझे उसी का डर है, है ना, और रात को वापस आना है। यस, सबसे बड़ा टास्क तो वही है, रुक जाएंगे, क्या दिक्कत है, नहीं बहुत बड़ी दिक्कत है, वापस आना है। तो भाई अब भाई पहुंचने वाले हैं यार, रास्ता खत्म नहीं हो गया देर रात, मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना टाइम लग रहा है पहुंचने में, जब दोस्तों के साथ होता हूँ ना तो मैं ऐसे पहुंच जाता हूँ। अभी भी ऐसे पहुंच जाएंगे, क्या दिक्कत आ रही है। और भाई एक चीज और भाई सबसे बढ़िया चीज जिस चीज का मुझे डर था वो नहीं है, क्योंकि कोहरा नहीं है तो विजिबिलिटी बहुत बढ़िया, और गाड़ी चलाने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रही, अगर कोहरा होता ना तो गाड़ी चलाने में भाई हालत टाइट हो जाती, क्यों जी, क्या तो गुस्से में भी बैठ रहा हो 24 घंटे, डरे
तो लो भाई पहुंच पे, हट जा, ब्लॉक खराब करवा दिया। अरे यार बड़ी बुरी हुई है भाई मेरे साथ। और भाई एक चीज और बता दूं, हम ना रास्ता भटक गए थे, रास्ता भूल गए थे बातों बातों में, वो तो इसके चक्कर में रास्ता भूल गए थे, रास्ता मुझे याद था। अच्छा मैंने बताया यूटर्न भाई, सही में बहुत आगे चले जाते हैं हम, कसम से इस तरह से जाती तो पहुंच गए फाइनली। अब कराएंगे तुम्हें सीधा दर्शन बांके बिहारी जी के, है ना। A few moments later भाई फाइनली पहुंच गए हैं और हम इस टाइम एयरप्लेन में, ये रहा हमारा एयरप्लेन भाई। हुआ क्या, थोड़ा सा ना रास्ता भूल गए, तो अब गाड़ी लगाई है हमने यहाँ पे, है हमने, तुम भूले हो तुम तो भाई हमने गाड़ी लगा दी, हमने रिक्शा करा है और भाई हमें छोड़ेगा भाई मंदिर पे सीधा, और वहाँ पे एक भाई हमें मिल जाएंगे और सीधा हमें दर्शन करा देंगे, क्योंकि मंदिर भी बंद होने का टाइम हो गया, तो ये है कि टाइम से पहुँच जाए और दर्शन हो जाए। ठीक है चलते हैं फटाफट से भाई। भाई मंदिर होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, अब देखते हैं कि दर्शन हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं। वैसे उम्मीद तो है पूरी पूरी हो जाएंगे, क्योंकि जो भाई हमें लेके जाने वाले थे वो आ गए, देखो वो आ गए, तो अब दर्शन करके मिलूंगा फटाफट, व्लॉगिंग गई बाद में होगी व्लॉगिंग। भाई दर्शन कर लो सारे भाई, भाई दर्शन हो गए एक नंबर, सिर्फ 5 मिनट बचे थे मंदिर बंद होने में। कितने बजे बंद होते हैं भैया? 8:30 का समय, तुम देखो घड़ी कितनी हो रही है, 8:30, 2-3 मिनट रह गए। मैंने कहा था ये रास्ता भूल गई, वरना गाड़ी चलानी आती। तो भैया थैंक यू सो मच दर्शन कराने के लिए, भाई भाई ना होते ना तो अभी तो हम लाइन में लगे होते, सही बता रहा हूँ। एक नंबर दर्शन भी होगा और जैसी हाँ, और जैसे हमारा दर्शन हुआ एकदम से मंदिर बंद, तुम्हारा काम ही रोने का। तो भाई अब चलते हैं कुछ खाएंगे, भूख लग रही है बहुत तगड़ी। भाई ये देखो रानी और राजा है? भाई जाएगा अब राजा में। एक भाई सबसे ज्यादा किल्सन होती है जब ये फास्ट टैग ना रीड नहीं करता, पैसे भी डले में सब कुछ, 5 मिनट होगा टाइम वेस्ट हो रहा है, लगा पड़ा है भाई, भाई किलस रहा है ना, शक्ल देखो भाई की, भाई ईट मारेगा देगा आपके। भाई दोनों हाथ का हाथ तो किसी से भी हो जाता। कैसी चॉकलेट? बढ़िया। हाँ बढ़िया बोल रहे हो, अब क्या बोल रहे हो? मैंने भी तो ये बोला। और तारीफ? बढ़िया सी, बहुत अच्छी है। नहीं, आज मन से बस अच्छी है वैसे। और भाई ये चॉकलेट ना प्रोटीन बार मसल बेस वाला बहुत यम है। मैं भैया जान दे पीछे गाली बकेंगे। भाई तो ना ये जो फास्टैग वाले हैं मुझे लग रहा है स्कैम कर रहे हैं, बैलेंस होने के बाद भी कह रहे हैं भैया बैलेंस नहीं है, और जबकि मेरे इसमें शो भी कर रहा है, तो ये चीज़ सही नहीं है। डबल डबल पैसे जो ले रहे हैं ना ये आराम के। कोई नहीं भाई पटक दिए, भूख बहुत तगड़ी, कुछ खाने आए हैं। है डोसा ऑर्डर, फाइनली कुछ हेल्दी ऑप्शन तो मिला, चिल्ड एकदम गला खराब हो जाएगा। वो बस लग रहा है ठंड में, अभी जब कल आए थे बात में निकलेगी जब आवाज। तो भाई डोसा करवाया एकदम मस्त, मैंने तो प्लेन डोसा कराया, इसने मसाला डोसा कराया अपना। तो भाई डोसा खा लिया और डोसा इतना वाहियात था, इतना वाहियात था, मतलब टेस्ट ले जिसे कहते हैं ना, बासी एकदम ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने सालों पुराना बना के रखा हो। तुम्हें कैसा लगा? मैंने कहा था ना जो वहां रखा है वही दे देंगे, वो तो नहीं दिया खैर, कुछ था ही नहीं एक्सपेक्टेशन में तो। पर भाई वो थी कि भूख लड़ती, बहुत बड़ी चक्कर आ रहे थे रास्ते में, गाड़ी चल जाती सर, मतलब वो ना भूख के मारे सर में गैस बन जाती, सर फट रहा था मेरा बहुत ज्यादा, तो थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ भाई। ठीक है, और जिंदगी में ना यहाँ ना हुआ कभी भी खाने, घर से चाहे अपनी 4 ब्राउन ब्रेड पैक करके ले आऊंगा। और भाई चीज और मुझे बोलनी थी, जैसे तुम ना इंस्टाग्राम पे टाइटल भी देखा होगा तुमने, तुम इंस्टाग्राम पे भाई भाभी करते रहते हो, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है ये। ठीक है, तो ऐसा मत बोला करो यार, ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी है, किसी का मुंह तो हम रोक नहीं सकते। वैसे नाम उसका शेफाली है भाई, ठीक है, तो बहुत अच्छी फ्रेंड है, ये गलत मत सोचा करो कि गर्लफ्रेंड है या कुछ भाभी भाभी करना है, भाई करो तुम्हारी मर्जी है, अच्छा लगता है। अच्छा। तो चलो भाई हम चल रहे हैं घर, रास्ते में छोटा सा काम है उसे निपटा लें।